हाथरस जिले के मथुरा काशगंज राजमार्ग 33 पर स्थित दयालपुर गांव के पास एक कार में शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग लग गई। कार सवार लोगों ने कार से उतरकर अपनी जान बचाई। कार सवार कुछ भी समझ पाते उससे पहले कार धू धू कर चलने लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कार में लगी भीषण आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। आपको बता दें, जनपद आगरा के शास्त्रीपुरम निवासी महेंद्र प्रताप का पुत्र दीपक शनिवार को अपनी कार टाटा वांझा से हाथरस आया हुआ था। शाम हाथरस से आगरा वापस जाते समय हाथरस जिले के थाना कोतवाली मुसान क्षेत्र के काशगंज मथुरा राजमार्ग 33 पर स्थित दयालपुर के पास शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग लग गई। कार में आग लगने की सूचना पाकर थाना मुरशार पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर कार में लगी भीषण आग पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन भीषण आग से कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। ये आप ही की गाड़ी है? हाँ जी, मेरी गाड़ी है। ये कैसे लगी आग जो लगी है? इसमें आग जो लगी है, हम चल रहे थे और जाने पे क्या है, शॉर्ट सर्किट हुआ आगे से। इतना भयानक शॉर्ट सर्किट था, उससे एकदम अचानक उसने आग पकड़ ली। कहाँ से आ रहे थे आप? जो हम लोग हाथरस से आ रहे थे। कौन सी गाड़ी है ये? जो ये टाटा मांझा है। तो फायर ब्रिगेड को सूचना की? फायर ब्रिगेड आई, 100 नंबर पर फोन किया, 100 नंबर पर फोन नहीं मिला। यहाँ पे पुलिस वालों की कुछ टीम पे थी, वो आ गए, उनको सूचना दी। उन्होंने बोला कि हमने फायर ब्रिगेड को वो कर दिया है, काफ़ी समय हो गया, पूरी अभी तक आई नहीं है और पूरी गाड़ी ख़त्म हो चुकी है। आप ही थे और भी था कोई साथ में? मैं था और मेरा थाला था, यूज सारा।